नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काई टेक न्यूज के अंदर। दोस्तों आज हमारे चैनल पे 4,500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। मैं सब व्यूवर्स का हमारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा जितना प्यार हमारे चैनल को उन्होंने दिया है। दोस्तों क्योंकि आज 4,500 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पूरे हुए हैं, तो इस स्पेशल वीडियो के अंदर से हम बैंक निफ्टी के एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी, चाहे आप उसे निफ्टी पे भी यूज कर सकते हैं, उसे स्काल्पिंग भी कह सकते हैं, क्विक स्काल्पिंग, और थोड़े लंबे भी ट्रेड करना चाहे तो आप इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से कर सकते हैं और डेली अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे अपलोड की। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, वीडियो सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोज वहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो कौन सा इंडिकेटर हमने यूज किया है, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए स्पेशल फिर से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा इंडिकेटर ये मैं यूज कर रहा हूँ, नीचे क्या क्या यहाँ पे RSI यूज कर रहा हूँ, इसकी क्या सेटिंग है, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस किधर लगाना है, टारगेट क्या रखना है, ये सब चीजें आपको मालूम होना जरूरी है, नहीं तो आपको इस इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो दोस्तों कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती, लेकिन आप चाहे इसे अपनी मर्जी से बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आपको इसे यूज कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज की जो मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 तारीख के लाइव मार्केट चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे हमें यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये हमारे सिग्नल कैंडल है, मैं पूरा बताऊंगा दोस्तों आपको क्या करना है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय मिला। आप देख सकते हैं अब तक हमें यहाँ पे 45 या 46 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं इजिली। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो पूरा जरूर देखिए दोस्तों। आपको जब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, हमें दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है ऊपर चल रही है, जिसने नीचे से रेड लाइन को यहाँ से काटा और ऐसी ऊपर चली गई। आप देख सकते हैं ये रेड लाइन नीचे चल रही है। जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर काटेगी तो हमारा यहाँ पे बाय सिग्नल बनता है, यहाँ पे हमारी बाइंग पोजिशन बनती है। अब सेल साइड की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन को, ये ग्रीन लाइन है, यहाँ से रेड लाइन ने उसको ऊपर काटा। तो जब भी रेड लाइन मान लीजिए ऊपर की साइड में आती है, और ये जो हमारी ये सिग्नल कैंडल है, इसके लो के नीचे हम बेचेंगे, इसके लो के नीचे हम बेचेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, ये ऊपर की रेड लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। आप समझ में आ रहे हैं, आपको जो भी अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इस कैंडल ने हमें सेल सिग्नल दिया, ये हमारी सिग्नल यहाँ पे बनी, हमारे इंडिकेटर ने भी सेल दिया, इस कैंडल के लो के नीचे हमने सेल किया। आप देख सकते हैं हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले। मैं आपको एक एक करके इसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे पॉइंट काउंट करते हैं। आप देख सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे हमने बेचा, तो हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले, 155 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे बेचे, 74 पॉइंट हमें देखने को मिले दोस्तों। स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बात वो नहीं। आप देख सकते हैं इस जगह हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कितना स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस आप देख लीजिए 18 से 20 पॉइंट का था, ये 5 मिनट के इसमें हम देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे हमने बेचा, लगभग 64 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिले। आपका स्टॉप लॉस कई कई जगह बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन टारगेट्स भी वैसे आएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल के लो के नीचे हमने बेचा, 95 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले सेल साइड में। बाय साइड में इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया,
68 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिले। ये रैली आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया, 181 पॉइंट्स हमें देखने को मिले दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, काफी अच्छी तरह से वर्क करता है। आप इसे बैक टेस्ट जरूर कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 62 पॉइंट्स हमें देखने को मिले। तो दोस्तों ये तो हमने निफ्टी पे देख लिया। बैंक निफ्टी पे बहुत जबरदस्त वर्क करता है। हम बैंक निफ्टी पे भी एक बार चेक कर लेते हैं, आज की करंट मार्केट में ही देख लेते हैं क्या हुआ, हमें कुछ सिग्नल मिला कि नहीं। हाँ, यहाँ पे हमारा आज के डेट में स्टॉप लॉस हिट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करते तो हमें थोड़े पॉइंट्स मिलते, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। 70 भी नहीं, सॉरी, 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। क्योंकि दोस्तों ये जो लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे सेल भी बाय भी किया होता तो ये लाइन ट्रेल हो रही है, ऊपर की साइड में चल रही है, तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 44 पॉइंट का कट गया है। और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों। आपको मानता हूं कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताई आपको, समझ में आ रही होगी, नहीं आई होंगी होगी तो वीडियो डबल डबल या दोबारा जरूर देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे हमने बेचा, हमें यहाँ पे 246 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिले। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे 111 पॉइंट हमें देखने को मिले। इस कैंडल के हाई के ऊपर 166 पॉइंट हमें मिले। आप कितना भी जाके इसे बैक टेस्ट कीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 550 पॉइंट हमें देखने को मिले। और क्या चाहिए दोस्तों, इतना क्विक स्कैल्पिंग आप इससे कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं। सबसे मेन जो बात है दोस्तों, आप इतना ध्यान में रखिए कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस तो आपको ये लाइन मालूम हो गई। अगर फिक्स स्टॉप लॉस की बात करेंगे दोस्तों, तो फिक्स स्टॉप लॉस आप, मैं जो करता हूँ, मैं मेरे ये मेरी निजी राय है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं निफ्टी के अंदर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ और बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। और टारगेट जो है दोस्तों, मिनिमम 1:1.5 या 1:2। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, आप अपने जितने रिस्क आप ले सकते हो हिसाब से, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कौन सा इंडिकेटर है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में चले जाना है, यहाँ पे टाइप कर देना है SSL चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है ये जो शख्स है, इनका नाम यहाँ पे दिया गया है। लगभग 2588 लोग यहाँ पे इस इंडिकेटरों को यूज करते हैं। ये हाइब्रिड वाला भी है दोस्तों, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं ये SSL चैनल इंडिकेटर है, इसे आपको लगा लेना है। चाहे तो इसके साथ आप अदर कोई इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तो SSL लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे SSL चैनल इंडिकेटर। दोस्तों बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हमें इस इंडिकेटर से मिले। आप चाहे इसे दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, थोड़े स्टॉप लॉस बड़े होंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे, हमें ये ट्रेड मिला था 10 अक्टूबर 2022 को, इस हाई के ऊपर हमने बाय किया, लगभग दोस्तों 400 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। यहाँ पे भी देख सकते हैं, चाहे आप अपनी मर्जी से 5 मिनट चाहे 15 मिनट अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 15 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस बड़ा होता है, लेकिन ट्रेड भी कम मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट ट्रेड आपको 15 मिनट पे मिलेंगे। मैं तो दोस्तों इसे कभी 5 मिनट और 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ, दोनों यहाँ पे मुझे बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट मिले दोस्तों। मेरे 10 में से मान लीजिए 3 भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी, लगभग 800 पॉइंट दोस्तों। आप चाहे अपनी मर्जी से, आप अगर रिस्क ले सकते हैं
इस इंडिकेटर के हिसाब से आपकी अगर बाय एंट्री यहाँ पे होती है, अगर आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। जो ये सेल वाली कैंडल है यहाँ पे एग्जिट करके फिर से यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कॉल बाय करी है तो आप यहाँ पे एग्जिट करके कॉल में से यहाँ से पुट भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करता है फ्यूचर्स के अंदर, तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल लगता है। आप चाहे इसे, मैं तो इसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ दोस्तों। ऑप्शंस में इसे क्विक हमें अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे अगर इस कैंडल के लो के नीचे भी पुट बाय करते, आप देखिए यहाँ पे 486 पॉइंट हमें देखने को मिले। दोस्तों कौन सा इंडिकेटर है ऐसे, आपने देखा होगा कि इतने जबरदस्त रिजल्ट इस इंडिकेटर के, बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है दोस्तों। आप इसे बैक टेस्ट जरूर कर लेना, पहले इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए चार्ट पे, फिर इसे यूज करने के बारे में सोचना। आप जितना ज्यादा इसे बैक टेस्ट करेंगे चार्ट पे देखेंगे इसके, आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए दोस्तों कि कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होता है और टारगेट अगर मिले तो कितने पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि मैं बना नहीं पाया दोस्तों एक्सेल, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक्सेल शीट में इसका जरूर डेटा लेके आऊंगा। 1 महीने का पूरा हम डेटा लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे अगर टारगेट्स हमारे कितने आते हैं, जिसके अंदर कितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं, और स्टॉप लॉस अगर कटता है तो उतने कितने पॉइंट्स हमारे स्टॉप लॉस में जाते हैं, और ओवरऑल मंथ में हमें कितने पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।